किंगडम प्रोटिस्टा। हमने पढ़ा किंगडम मोनरा, मोनरा का क्या था? प्रोक्रियोट्स का किंगडम। किंगडम प्रोटिस्टा क्या है? किंगडम ऑफ यूनिसेलुलर यूकेरियोट्स। जो इसका सेल स्ट्रक्चर है, तो यूनिसेलुलर, एक सेल, सिंगल सेल। सेल स्ट्रक्चर इज यूकेरियोटिक, दैट इज जेनेटिक मटेरियल, और यू कैन से क्रोमोसोम्स। आर किसमें एनक्लोज्ड है? आर एनक्लोज्ड इन न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। और दूसरा है, तो और भी डिफरेंसेस है, बट दूसरा मेन क्या है? दैट इज मेम्ब्रेन ऑर्गेनेलिस। आर प्रेजेंट मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलिस सच एज माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट या एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एटसेट्रा, दीज आर प्रेजेंट इन केस ऑफ किंगडम प्रोटिस्टा। ठीक है, अनदर इम्पोर्टेंट पॉइंट बेटा, किंगडम प्रोटिस्टा में ओनली वन करेक्टर, ध्यान से सुनना है, ओनली वन करेक्टर इज कॉमन टू ऑल प्रोटेस्टेंट्स। एक करैक्टर, सिर्फ एक करैक्टर है जो कॉमन है सभी प्रोटेस्टेंट्स में, कौन सा है? दैट इज ऑल आर यूनिसेलुलर यूकेरियोट्स। अदरवाइज various protists differ in, कैसे डिफर करते हैं? फर्स्ट है हैबिटेट, सम एक्वेटिक, या हम कहेंगे मोस्ट एक्वेटिक, few terrestrial, second है locomotory structure, सभी में एक जैसा नहीं है कि सभी में फ्लैजेला है, ऐसा नहीं है, it can be फ्लैजेला, कईयों में सीलिया है। फ्लैजेला बहुत लंबे होते हैं, 2 to 10 हो सकते हैं, 12, बट सीलिया छोटे और बहुत सारे होते हैं, ये फर्क होता है। कुछ में स्यूडोपोडिया, अमीबा आपको सबको पता है, और कुछ ऐसे प्रोटिस्ट्स भी है जिसमें लोकोमोटरी स्ट्रक्चर एब्सेंट होता है। उसके बाद इसी की ही एक्सटेंशन में हम यहां पे थर्ड पॉइंट लिख रहे हैं, जो न्यूट्रिशन है, न्यूट्रिशन वेरिएबल, कुछ में इट कैन बी फोटोसिंथेटिक,
इट कैन बी पैरासिटिक, इट कैन बी सेप्रोबिक, इट कैन बी इंजेस्टिव, मतलब कॉम्प्लेक्स फूड खा लिया एंड डाइजेशन इनसाइड दैट इज इंजेस्टिव, और इट कैन बी सिम्बायोटिक. डिफरेंट प्रोटिस्टेंट्स हैव डिफरेंट टाइप ऑफ यू नो न्यूट्रिशन. देन रेस्पिरेशन, अगेन दे कैन बी एनारोबिक और इट कैन बी एरोबिक. सेल वॉल मे बी प्रेजेंट इन सम, या मे बी मत लिखो, इट इज प्रेजेंट इन सम और एब्सेंट इन अदर्स. अनदर इज लास्ट आ जाता है न्यूक्लियस, नंबर ऑफ न्यूक्लियाई. इट मे बी वन टू और मेनी, वन न्यूक्लियस और टू न्यूक्लियाई और मेनी न्यूक्लियाई. तो आप देख रहे हो कि प्रोटिस्टम्स में कुछ भी कॉमन नहीं है. क्या एक चीज कॉमन है, वो ये है कि ऑल आर यूनिसेलुलर यूकेरियोट्स. बाकी किसी भी करैक्टर को ले लो, है ना, अगर हम देखें कि हम ये कोई ये कहता है कि सभी प्रोटिस्टम्स में सेल वॉल नहीं है, सेल वॉल है, ठीक है. दूसरा कहता है नहीं कुछ में नहीं भी है. कोई कहता है सभी प्रोटिस्टम्स जो है ना वो एक्वेटिक है. नो देयर आर सम टेरेस्ट्रियल आल्सो. प्रोटिस्टम सच एज अमीबा दे मूव बाय स्यूडोपोडिया. प्रोटिस्टम सच एज युगलिना मूव बाय फ्लैजेला. प्रोटिस्टम सच एज दैट पैरामीशियम मूव बाय सीलिया. वेयर एज प्लाज्मोडियम लैक्स एनी लोकोमोटिव स्ट्रक्चर. तो एक कॉन्स्टेंट फीचर नहीं है प्रोटिस्टा का, सिर्फ एक ही है, दैट इज कि ये सब यूनिसेलुलर है. बाकी सब फीचर्स में बहुत सारी वेरिएशन. इज इट ओके? ठीक है जी, तो पहले जो है आप ये कर लो और फिर हम आगे करते हैं. नेक्स्ट आ जाता है बेटा क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोटेस्ट्स. Based on mode of nutrition. तो हमारे पास आ जाते हैं बेटा फोटोसिंथेटिक प्रोटेस्ट, जिनको हम और क्या बोल सकते हैं, अपना खाना खुद बनाते हैं. सो दीज आर ऑल्सो कॉल्ड एज प्रोड्यूसर्स और दीज आर ऑल्सो कॉल्ड एज प्रोटेस्टन एल्गी और फाइटोप्लैंक्टन्स. प्लैंक्टन्स होते हैं जो पानी के सरफेस पर रहते हैं. फाइटो मीन्स प्लांट लाइक.
देन अनदर इज कंज्यूमर डीकंपोजर प्रोटेस्ट. कंज्यूमर डीकंपोजर, एक तो है कंज्यूमर मीन्स हेटरोट्रॉफिक, डीकंपोजर मीन्स सेप्रोबिक. तो हम इनको और क्या कह सकते हैं, सेप्रोबिक प्रोटेस्ट. और इनका एक नाम है स्लाइम मोल्ड. ऑल्सो कॉल्ड एज फंगल प्रोटेस्ट. बट नेम क्या है, स्लाइम. थर्ड आ जाता है बेटा प्रोटोजोन्स, ऑल्सो कॉल्ड एज एनिमल प्रोटिस्ट. तो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन है, सेप्रोबिक न्यूट्रिशन है, और यहाँ पे इंजेस्टिव न्यूट्रिशन है. इंजेस्टिव न्यूट्रिशन मेनली, और भी हो सकती है क्योंकि पैरासिटिक और ये सब भी है, बट मेनली इंजेस्टिव न्यूट्रिशन जो ये है. ये आगे तीन टाइप के हैं, क्राइसोफाइट, डायनोफ्लैजिलेट्स, और तीसरा आ जाता है युग्लिनोइड्स. ध्यान से पहले सुनना है, मन में ये बोलते चलो ताकि आपको इन ये वर्ड से फेमिलियर हो जाओ कि क्या है क्राइसोफाइट्स. नहीं तो ऐसे लगता है पता नहीं कौन सी भाषा बोली जा रही है. क्राइसोफाइट्स, डायनोफ्लैजिलेट्स, युग्लिनोइड्स, राइट. So chrysophytes are like these are chrysophytes, dinoflagellates, these are two flagella, dinoflagellates. ठीक है, और ये तो न्यूक्लियस है. ये युग्लिनोइड्स, युग्लिना, दो फ्लैजेला अराइज हुए बट एक ही बड़ा हुआ, दूसरा छोटा ही रहेगा. ये न्यूक्लियस है और ये इसमें दिखते हैं बेटा क्लोरोप्लास्ट. ये कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल है. ठीक है, पहले ये बना लेना फिर मैं लेबलिंग भी करवा दूंगी. तो दीज आर थ्री टाइप्स ऑफ प्रोड्यूसर प्रोटिस्ट, क्राइसोफाइट्स, डायनोफ्लैजिलेट्स, युग्लिनोइड्स. ये जो है दीज आर फर्दर ऑफ टू टाइप्स, ए सेलुलर
nine molds and cellular slime molds, right? उसके बाद है प्रोटोजोन्स. प्रोटोजोन्स जो है बेस्ड ऑन लोकोमोटरी स्ट्रक्चर्स. ये जो है कितने टाइप के आ जाते हैं? सार्कोडाइन्स, जूओफ्लैजिलेट्स, स्पोरोजोन, और फोर्थ आ जाता है सी. याद रहेगा तो लिखना, नहीं तो मैं लिखवा दूंगी. सार्कोडाइन्स में स्यूडोपोडिया, जूओफ्लैजिलेट्स में बायफ्लैजेला, लोकोमोशन बाय फ्लैजेला, सिलिएट्स में लोकोमोशन बाय सिलिया, स्पोरोजोन्स में लोकोमोटरी स्ट्रक्चर एब्सेंट, राइट? सो दिस इज द क्लासिफिकेशन ऑफ किंगडम प्रोटिस्टा. पहले तीन टाइप के हैं और तीन टाइप के आगे फिर ये क्राइसोफाइट्स, डायनोफ्लैजिलेट्स, यूब्लिनॉइड्स, देन स्लाइम मोल्ड्स एंड देन प्रोटोजोन्स की आगे टाइप्स है बेस्ड ऑन द लोकोमोटरी स्ट्रक्चर. इज इट ओके? ठीक है जी. तो ये जो है ये बेस्ड ऑन सेल स्ट्रक्चर फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्ट्स आर डिवाइडेड इनटू दिस थ्री बेस्ड ऑन सेल स्ट्रक्चर, राइट? तो पहले ये लिखो और फिर हम आगे चलें. क्राइसोफाइट्स में यू राइट डाउन इट इंक्लूड्स डायटम्स एंड डेस्मेट्स. It includes diatoms and decimates. ठीक है जी. तो पहले हम बात करेंगे फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्ट्स के बारे में. फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्ट्स मैंने आपको बताया तीन टाइप के हैं, राइसोफाइट्स ऐसे ही आपने तीन कॉलम्स बनाना बाद में, देन डायनोफ्लैजिलेट्स और तीसरा यूब्लिनॉइड्स. क्राइसोफाइट्स में आ जाते हैं बेटा डायटम्स एंड डेस्मिट्स. डेस्मिट्स को गोल्डन एल्गी भी कहते हैं. जो डायटम्स है ये मैरीन है, ओशंस में रहते हैं, और ये फ्रेश वाटर है. डायनोफ्लैजिलेट्स के एग्जांपल्स सिरेशियम बोलते चलो मुंह में, अनदर इज
गोनियोलक्स। अनदर इज नॉक्टिल्यूका। और भी बहुत सारे बट दीज आर में युग्लिनोइड्स में एग्जाम्पल मेनली आ जाती है युग्लिना। हमने क्या बताया कि क्राइसोफाइट जो है दे मे बी मैरी और फ्रेश वॉटर। कहाँ रहते हैं? कुछ ओशंस में रहते हैं, कुछ फ्रेश वाटर में, मतलब यू नो लेक्स में, पॉन्ड्स में, रिवर्स में, वहां रहते हैं। डायनोफ्लेजिलेट्स ऑल मैरीन, ये सब ओशंस एंड सीज में रहते एंड दीज आर ऑल फ्रेश वाटर, लिव्स इन रिवर्स लेक्स पॉन्ड्स एक्सेट्रा। सेकेंड आ जाते हैं सेल वॉल सिलिशियस। इसका क्या मतलब है? सेल वॉल इज फॉर्म्ड ऑफ सेल्युलोज विद डेपोजिशंस ऑफ सिलिका। इसलिए सिलिशियस, इसके कारण बहुत हार्ड। आपको पता है जो शीशा होता है, ग्लास होता है, वो सिलिका का बना होता है। कितना टफ सा होता है, मतलब वैसे चलो ब्रिटल है बट टफ तो है ना, राइट? तो इसी तरह से ये सिलिशियस, और ग्लास जो है वो डीकम्पोज नहीं होता है इसी तरह से, क्यों? क्योंकि सिलिका का बना है। इसी तरह से इसकी सेल वॉल, क्योंकि सिलिका है उसमें, तो इसलिए वो डीकंपोज नहीं होती है डेथ के बाद, ठीक है? और अनदर पॉइंट, सेल वॉल प्रेजेंट इन टू ओवरलैपिंग हाफ। मैंने बताया ये कैसे है, कैसे, ये सिंपलेस्ट मैं बता रही हूँ, ये सेल वॉल है, इसके अंदर प्लाज्मा में टू ओवरलैपिंग हाफ, बाहर वाले को एपिथीका, अंदर वाले को हाइपोथीका। डायनोफ्लेजिलेट्स में सेल वॉल सेल्यूलोसिक, सिलिका की डेपोजिशन नहीं है, और बट एक्सेप्शन तो है, सेल वॉल एब्सेंट इन नॉक्टिल्यूका। वैसे सब में है बट इसमें एब्सेंट है किसी तरह से। युग्लिना में सेल वॉल एब्सेंट बट कवर्ड एक्सटर्नली बाय पेलिकल। एक लेयर है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, तो सभी में ही है, उसके बाहर एक लेयर है पेलिकल फॉर्म्ड ऑफ प्रोटीन। ये पेलिकल किसकी बनी हुई है? प्रोटीन्स की बनी हुई। यहां पर अनदर पॉइंट इसके साथ, यहां पर जो है क्लोरोफिल ए प्लस सी प्लस एक पिगमेंट होता है फ्यूकोजेंथिन प्रेजेंट। डायनोफ्लेजिलेट्स में भी सेम है, क्लोरोफिल ए सी एंड फ्यूकोजेंथिन
फॉर फोटोसिंथेसिस ऑब्वियसली, बट यूग्लिनोइड्स में क्लोरोफिल ए एंड बी आर प्रेजेंट. इसमें क्लोरोफिल सी नहीं है, इसमें क्लोरोफिल ए एंड बी प्रेजेंट. यहां पे रिजर्व फूड क्राइसोलेमिनेरियन स्टार्च, हियर रिजर्व फूड इज क्राइसोलेमिनेरियन स्टार्च. हियर रिजर्व फूड इज कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स एंड फैट्स. जैसे हमारे में ग्लाइकोजन है, यहां पे ये है, और इसमें रिजर्व फूड इज यहाँ पे स्पेशल टाइप का है पैरामाइलम स्टार्च. स्टार्चेस कई तरह के है, यहाँ पे है पैरामाइलम. इज इट राइट? पहले ये लिखो, फिर मैं तुम्हें आगे का बताती हूँ. और भी डिफरेंसेस है, आई विल टेल यू लेटर ऑन, बट ये पहले लिखो. चलिए जी, नेक्स्ट आ जाइए बेटा. यहाँ पे ना एक पॉइंट और लिख लेना. डायनोफ्लैजिलेट्स में मैंने बताया कि सेल्युलोसिक सेल वॉल, यहाँ पे ब्रैकेट में लिख लेना, देयर आर प्रेजेंट स्टिफ सेल्युलोस प्लेट्स. मैम किस वाले में? ये बेटा डायनोफ्लैजिलेट्स में, यहाँ पर सेल वॉल सेल्युलोसिक यहाँ पे लिखा है ना, ब्रैकेट में लिख लेना. ठीक, देयर आर स्टिफ सेल्युलोसिक प्लेट्स ऑन द आउटर सर्फेस ऑफ सेल वॉल. स्टिफ सेल्युलोसिक प्लेट्स ऑन द आउटर सर्फेस ऑफ सेल वॉल. नेक्स्ट आ जाइए बेटा. क्राइसोफाइट्स में फ्लैजेला एब्सेंट, फ्लैजेला एब्सेंट. डायनोफ्लैजिलेट्स में टू फ्लैजेला, टू फ्लैजेला, वन लॉन्गिट्यूडनल अदर ट्रांसवर्स. वन लॉन्गिट्यूडनल अलोंग लेंथ मैंने दिखाया था आपको, और दूसरा है ट्रांसवर्स जो बीच की तरफ है. वन लॉन्गिट्यूडनल एंड वन ट्रांसवर्स. युगलीना में टू फ्लैजेला बट ओनली वन फ्लैजेला इलोंगेट्स. टू फ्लैजेला बट ओनली वन फ्लैजेला इलोंगेट्स. बेटे युगलीना में एक स्टार डाल के पॉइंट लिखना. इट हैज, या युगलिनोइड्स में मेनली हम कहते हैं ड्यूअल मोड ऑफ न्यूट्रिशन, या हम इसको और क्या बोलते हैं, मिक्सोट्रॉफिक न्यूट्रिशन. युग्लिनोइड्स में इंपॉर्टेंट स्टार डाल के दे हैव ड्यूअल मोड ऑफ न्यूट्रिशन या मिक्सोट्रॉफिक न्यूट्रिशन. क्या मतलब है? इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट दे परफॉर्म फोटोसिंथेटिक न्यूट्रिशन. इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट दे परफॉर्म फोटोसिंथेसिस, वेयर एज If they are deprived of sunlight, किसी कारण से भी, if they are deprived of sunlight,
दे बिहेव लाइक हेटरोट्रॉप्स। हेटरोट्रॉप्स बाय प्रीडेटिंग, प्रीडेटर होता है जो दूसरे एनिमल्स को खाता है, बाय प्रीडेटिंग ऑन अदर स्मॉलर ऑर्गेनिज्म, बाय प्रीडेटिंग ऑन अदर स्मॉलर ऑर्गेनिजम्स। ठीक है जी, तो ये है बेटा। अच्छा एक और चीज यहाँ पे, युगलिना क्योंकि ये फ्रेश वाटर में रहती है, हैज सैप वैक्यूल्स। युगलिना हैज नॉट सैप वैक्यूल्स, आई एम सॉरी, कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल्स। युगलिना हैज कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल्स फॉर ऑस्मो रेगुलेशन। बेटे कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल का क्या काम होता है, जो एक्सेस पानी अंदर आ रहा है ना, फ्रेश वाटर में जो ऑर्गेनिज्म रहेगा उसी में ही आता है, और जो मरीन में रहेगा उसमें से तो बॉडी में से बाहर जाता है। तो युगलिना फ्रेश वाटर है, इसलिए जो एक्सेस पानी अंदर आ रहा है कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल उसको इकट्ठा करता है, बाहर फेंकता है, और फिर छोटा होके अंदर आ जाता है, फिर पानी लेता है, बड़ा होता रहता है, और फिर बाहर फेंक के पानी फिर छोटा हो जाता है। तो इस तरह से युगलिना जो है हैज कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल। डायनोफ्लैजिलेट्स में लिखो लैक कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल, डायनोफ्लैजिलेट्स में लैक कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल। क्राइसोफाइट्स में फ्रेश वाटर फॉर्म हैज कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल, फ्रेश वाटर फॉर्म हैव कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल। ठीक है जी, सो दिस इज फॉर टुडे, राइट। ये यहां तक हमने किया, अब हमने इसकी एक्सप्लेनेशन कुछ कुछ करनी है, वो हम मंडे को करेंगे। ठीक है जी।